तुम जलाओगे अपने हाथ से दूसरे के नाम से जलाओगे। चलो जो मंजूर ले लो 10 रुपए का हंडी फादर। तभी हम लोग निकल रहे हैं संगम के लिए, और मृदुल, अमन, ये दो लोग जा रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पे हम रुके थे रात में, और आज भी मैं भी यहीं रुकना है। और सरस्वती घाट करके भी कुछ है, वहाँ पे मैं भी बोटिंग मिल जाए। अरे गौ माता, मारिएगा नहीं। तो जहाँ पे हम थे कमला नगर, यहाँ से लगभग 8 या 9 किलोमीटर के आसपास है संगम। रुकिए भाई साहब, आनंद वन है ये, आनंद भवन। इतनी जल्दी है, वाह वाह वाह। संगम 1 किलोमीटर, और ये नज़ारे आप देखिए, गजब, वाह। पानी तभी लग रहा काफी कम है। बस पहुंचने वाले हैं, मैं तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओ भाई साहब, वोटिंग मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, देखते हैं। अमन तो बता रहा था कि मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ तक ला सकते हैं, 4-व्हीलर 2-व्हीलर कोई भी व्हीकल हो आप ला सकते हैं। वोटिंग तो हो रही है ज़बरदस्त बहुत अंदर तक। ओ अरे भाई साहब, अभी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भालू है। चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग फिलहाल तीनों लोग रेडी हो गए हैं और निकलते हैं। पहले कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पहले यहाँ पे बोट खोजने। बोट खोजने? ऐसा क्यों? बोट देखते हैं कौन सी मिलती है, फिर बढ़ते हैं आगे। इधर आप देख सकते हैं नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बालू, पानी यहाँ तक आ जाता होगा। हाँ, जब बारिश वगैरह हो ही रहती है ना। हाँ, बहुत यहाँ तो लाइन। कौन सी नाव है आपकी? क्या चार्जेस हैं? जैसा चाहिए सवारी को बैठाने की, आप ही दो लोग ले जाएंगे? 3 लोग हैं हम लोग, मतलब आप ही 3 लोग ले चले। हाँ, मैं सवारी में एक नाव में 10-12 लोग जाते हैं। आप जैसा बताइए, कैसे क्या करते हैं आप? सवारी के साथ चलेंगे तो आपको 80 रुपये लगता आना जाना। 180? नहीं, 80 रुपये। और बिना सवारी के? सवारी बैठा लेंगे। बिना सवारी के आप ही लोग ले चलेंगे आपको 650 सेपरेट बोर्ड? बस 3 लोग का 650, और सवारी बैठा के चलेंगे तो 80 रुपये देंगे 1 लोग का जी। सवारी में बैठाएंगे आपको, फिर समय लगेगा अभी। और देखने जा रहे हैं हम लोग कहाँ से ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, वहाँ से करते हैं बोर्ड। ये यमुना नदी, यमुना नदी वहाँ पर है ना संगम? हाँ, तो वहाँ से कलर दिखाई देगा कि नहीं? दोनों अलग अलग कलर दिखता है। अच्छा, जब मिक्स हो जाता है तब कौन सा? मिक्स होता ही नहीं है, मिक्स होकर तो वैसे ही फिर नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल दिखता है। तो आगे तो मिक्स होता है ना, वो दिखता है स्पॉट, दो पानी मिक्स हो रहे हैं। तो आगे जाके तो यमुना ख़त्म हो जाती है, गंगा बहती है फिर वो कौन सा VIP? वो VIP का। मौसम भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। और ये सामने देख रहे हैं अकबर का किला है, अक्षयवट। वो अकबर का किला, अक्षयवट नाम है ना? हाँ, उसके अंदर है अक्षयवट। अक्षयवट उसके अंदर है। और ये हमेशा खुला नहीं रहता है। तो फिलहाल 300 रुपये में भैया ले चल रहे हैं 3 लोग को। ना
चले तो फटाफट में बोर्ड बंद हो जाए कहां जाऊं आगे जाना नहीं जाना चप्पल जूता खोल ला यार। अरे भाई साहब इतना ज्यादा डिसबैलेंस। नीचे बैठ जाना है। कब चलेगी? ड्राइवर तो आएगा। भैया नाम बता दो अपना। फिलहाल हमारी सवारी निकल पड़ी है और आप इधर देखते हैं पानी का कलर एकदम हरा। पानी जब आता है तो कहाँ तक एकदम पहुँच जाता है? हनुमान मंदिर सब डूब जाती है। ये झोपड़ियाँ डूब जाती हैं और फिर जब पानी कम होने के बाद बना लेते हैं। कब हो बढ़ता पानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे? नहीं बढ़ता है, सब उखड़ जाता है, इसलिए यहाँ प्रॉपर पक्का मकान नहीं बनता है। अच्छा नहीं किस टाइम पे बढ़ता है, कौन से महीने में? भाई अभी जुलाई अगस्त में बढ़ना शुरू होगा। यही हाथ वाली नाव है, पैर वाली नहीं? उधर भी है। वो कौन सा घाट है उधर? कौन सा? अरेल घाट। यमुना मैया। हाँ बताओ। समूचे दिल्ली आगरा मथुरा वृंदावन होते हुए इस तरफ यमुना मैया आते हैं। इस साल सबने गंगा नदी आती है। द्वार के स्थान पर होते गंगा मैया आती है। तीसरी सरस्वती माता अंतर्वाहिनी है। हाँ वो दिखाई नहीं देती है। अकबर फोर्ट देख रहे हैं ना? हाँ अकबर फोर्ट पीछे है। इसके अंदर सरस्वती माता जी का कुंड है। ये प्रयाग विष्णु लोक है, काशी शिव लोक है, गया ब्रह्म लोक है। ये विष्णु भगवान का मुख है, काशी नाभी है, गया चरण है, सर कपाली बद्रीनाथ। जैसे कोई नहाने घूमने आता है तो गंगा माँ को फल फूल डालते हैं। जो मांगना होता है इनसे मांगते हैं ना, हम पूरा कर देंगे ना आप कर लेंगे। फिर बड़ी माता पर जिनके पूर्वज नहीं थे जब पिंडदान भी करते हैं तो पहला प्रयाग होता है, दूसरा काशी, तीसरा गया। गया करने में कहीं ना कहीं गया तो गया। अच्छा। तो पूरा प्रयाग में मेला ग्राउंड है टोटल। ये पूरा यहाँ से मेला लगता है यहाँ पे? हाँ। कब? इससे बड़ा तो जनवरी में। अच्छा। इससे बड़ा तो आप ग्राउंड कहीं नहीं देखेंगे। सब तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जान लीजिए। यहाँ संगम एक जगह नहीं होता है। आप अभी झंडे को देख रहे हैं ना? झंडे के पास संगम है क्या? हाँ। कल आप आएंगे देखेंगे दूसरी जगह। अच्छा बदल जाता है, एक दिन में बदल जाता है? गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा माता का काल रूप है। यहाँ उनका बाल रूप है। जैसे हम आप लोग बच्चे रहते हैं उनको ऐसे छोड़ देंगे एक जगह, वो रहते नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे यहाँ गंगा माता का बाल रूप दिया गया है, वो एक जगह नहीं रहती है, वो हमेशा घूमती रहती है। तो कैसे पता चलता है? कैसे दिखता है? दूध और पानी मिल जाता है, उनका कलर नहीं मिलता है। अच्छा। यही चमत्कार है, तभी यहाँ नमस्कार लोग करते हैं। ये तो है चमत्कार को नमस्कार। कहाँ से शुरू होने होगा गंगा? वहाँ तक ले चलेंगे ना, ऐसे मत सोचिए पैसे भेजिए करा लिए नहीं ले जा। नाव कितनी तेज हिलती है पहले ये सोचो। गलती ये करेंगे भोगना हम लोग नाव वाले पड़ता है, ये आप समझ लीजिए। जीरो आदमी है लोग, उन लोग के बारे में कुछ कहना बेकार ही है। हम तो साफ पुलिस वाले डरते ही नहीं है, अकेले में जरा दिया इनको एकदम गायब ही करते हैं। अभी तक का इसका सबसे विशाल रूप कब हुआ था? सबसे खतरनाक रूप इसका बार में होता है, हमेशा होता है। जैसे आप अभी जमुना जी में चल रहे हैं ना, जिससे बरसात गया तो आप गंगा जी में नाव चलेगी, इसमें नहीं चलेगी। तो यमुना माता का काल रूप हो जाता है बरसात में। इनका धारा बहुत तेज हो जाती है, जैसे इनका हरा है ना, बरसात इनका एकदम लाल कलर हो जाएगा, पानी लाल हो जाती है, एकदम लाल हो जाएगा। और गंगा जी का? गंगा जी का इसकी तरह हो जाएगा, हरा हो जाता है। अभी वो लाल होगा क्या गंगा जी? उनका मठ पहला ऊँट भी चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पहले ऊँट घूमने वाले घुमाते हैं ना। अच्छा। 50 रुपये लेते हैं। ये कौन साहब हैं अकेले बैठ के जा रहे हैं? ये पंडित जी। अच्छा झंडे लगे ना, ये सब टाइम होने 6 बजे से नाव सभी
हट जाएगा ना सर, ये फर्क। में जाते हैं, गए हैं गया कभी बिहार? ना नहीं गया अभी। नहीं गया, गया गया तो गया बिहार में ही तो है। हाँ गए हैं कभी? नहीं नहीं वहाँ नहीं गए। वहाँ देखिए नदी है, पता नहीं। नहीं नहीं है। आप लोग गए अभी? क्या गया? नहीं भी बिहार नहीं गया, उधर साइड गए ही नहीं अभी। देखिए जैसे भगवान आप सामान लेने चले गए हैं, हाँ, तो सूर्य अस्त होने वाला था। अच्छा, तो राजा दशरथ जी ने अपने बहू से बोला तो बहू सूर्य अस्त हो जाएगा, हमको पिंड दे दो। तो सीता माता ने जो रेत देख रहे हो ना, हाँ, ये रेत के गोला बना कर उनको पिंड दे दिया। उनको पिंड नहीं, उसने बोला कि कौन साक्षी है कौन नहीं है। उसने गया नदी, गया में फल्गु नदी है। अच्छा, गया नदी झूठ बोल दी, गऊ झूठ बोल दी, तुलसी यहाँ पे एक ट्री है वट ब्रिज, वो सच बोला था। उसको सीता माता ने वरदान दिया, और न कभी सूखता है न झटता है न कुछ भी नहीं होता उसका। अंग्रेजों ने उसको बहुत कटवाया, बहुत करवाया, तो उसका कभी कुछ नहीं हुआ। नदी यहाँ पे आपका अच्छी नदी भी पानी मिलेगा। और गंगा जी में? गंगा जी कम आपको मैक्सिमम 20-25 फीट मिलता है, ये ज़्यादा है। गंगा जी का ज़्यादा कह रहे हैं। इसमें तुलसी पहले कभी सूखती नहीं थी, अब वो भी सूखने लगी है। गौ कभी भूखी नहीं रहती थी, अब वो भी भूखी रहने लगी। तो बात आपको बता रहे हैं। वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ पे? हाँ वहाँ नहीं जाएंगे, वो भी सजे मलघाट वहाँ का। अच्छा, अस्थि वाला अलग होता है, रहने वाला अलग होता है। अच्छा, ये कौन सा घाट है जो आ रहा है सामने? अच्छा, लोग नहा तो रहे हैं वहाँ पे पीछे। वहाँ पानी कम है क्या? अरे बहुत कम है, मतलब घुटने तक है। ऐसा नहीं लग रहा, देखो यहाँ पे हम लोग ऊंचे पे हैं, वो थोड़ा ढलान है उधर, देखो ऊंचा वो है ढलान ये है, आपको लगेगा ऐसा। चप्पल यहीं पर रहेंगे? जूता रहने अब जूता में हम यहाँ रहेंगे तो जूता में रखेंगे। अरे भाई साहब क्या उम्र दिलाओ, और जो जानकारी लेना होगा तो पंडित जी से ले। हाँ बिल्कुल लेंगे लेंगे। निकलिए सिंह राज बाबू वाले में खाली नहीं हुआ हुआ है लोका में, यहीं बैठ जाएं बीच वाला वो जला रख देंगे। अरे भाई साहब हां जी हां रख दी। अरे हमें पता भाई जरा एकदम मंजी साहब जिलवा पलवा बैठो, नारियल नहीं अभी नारियल वगैरह नहीं चाहिए। तो क्या नहीं नहीं ना डूबाई गुरु अभी नहीं चाहिए भाई। भाई क्यों पहले फल फूल हल ही डालना है भैया? हां हम पर नहीं मारते हैं। ठीक है मालिक, पहले गंगा मां को फल ही डालना होता है भाई। देखिए आप आवाज आवाज अभी कितना तेज है बाप। नहीं दिखेगा अभी नहीं, जब सूर्य वस्त हो जाता है तो कलर नहीं दिखाई देता, दोनों एक हो जाते हैं। सूर्यास्त कहाँ, अभी तो उतना ऊपर, इतने में थोड़ी दिखाई देगा भाई। कपड़े सुखाना तो घाम में जब रखो तुरंत काम वाला है, तुरंत चलो भाई आप 1-2 बजे करीब आइए सुबह। अभी एक नई कहानी बताने लगे, अभी तक वहाँ कह रहे थे दिखाएंगे दिखाएंगे, तो यहाँ आने के बाद धारा देखने आए थे कि रंग देखने आए थे यार जहाँ मिलती है। ऐसा बता ही रहे यार, बताए थे कि रंग देखने को मिलेगा साफ साफ, बैठो बैठो। ज़्यादा डिसबैलेंस होता है अबे भाई। क्या चीज़
तो कुल मिला के पानी का रंग देखने को नहीं मिला हम लोग को। संदीप भाई जाओ जल्दी, वोटिंग करके तो आ गए।